यस, गुड इवनिंग, नमस्ते जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी। आज मेरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी। आज शाम हो गई है मतलब कि, और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो बस यूं ही थोड़ा सा आज जैसे नींद पूरी नहीं होती है, तो मेरा आज बहुत सोने का मन कर रहा था दिन में, तो बस इसलिए अपनी नींद पूरी करके अब मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। दो मैंने शावर नहीं लिया है अभी, तो बस अभी शावर लेने जा रही हूँ। जय और रतन गए हैं अभी मार्केट, अपनी ही सेक्टर की मार्केट में। रतन का मन था कि कुछ वो जो मार्केट वाले बर्गर्स नहीं मिलते हैं कि वैसा कुछ बर्गर खाने का मन है मेरा, तो जय को लेकर गया है साथ में। और बस वो खाकर आते हैं, तो बर्गर पॉइंट है यहाँ पे। मैंने शायद आपको नहीं बताया था, हमारे सेक्टर में एक और छोटा सा जॉइंट खुला है जिसका नाम बर्गर पॉइंट है। तो हमने कल जैसे अर्बन चार्ट को एक्सप्लोर किया, वैसे ही हम लोग बर्गर पॉइंट भी जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारा बन नहीं पा रहा था कब से। बट अभी चलो फीडबैक थोड़ा सा तो मिल ही जाएगा रतन से कि बर्गर पॉइंट के बर्गर्स कैसे हैं, तो अब फिर नेक्स्ट हम वहीं जाने वाले हैं। तो बस मैं सबसे पहले शावर लेने जा रही हूँ, शावर लेने के बाद मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, आज मैं और जयदित्य कुछ स्पेशल करने वाले हैं, और स्पेशल जो काम है वो शुरू होगा इनसे, अंडों से। तो जय की फर्स्ट कुकिंग क्लास है जयदित्य की आज, तो देखते हैं जय कितने अंडे बनाता है या खराब करता है। मैं इसका टीचर हूँ, ये मेरा स्टूडेंट है। तो जय, अब आपको एग्स को टच कर सकते हो? हाँ हाँ, ये लो, आपको पकड़ो एग्स को क्रैक करना है कटोरी के अंदर। यहाँ रखो एग को, एक दूसरा यहाँ है, एक है। अब आओ पकड़ो एग को, ऐसे पकड़ो, पकड़ लो, पकड़ लिया, यहाँ मारना है एग को। लो चम्मच, उसके साथ अब इसके क्रैक के साथ नीचे वाले, यहां और तेज मारना, बस होल्ड। अब एग को पकड़ना पड़ेगा, और एग को पकड़, ओके। अब एग का ये छिलका है, छिलके के अंदर डालो। सेकेंड एग को पकड़ो, अच्छे से पकड़ना जैसे बताया था, और थोड़ा थोड़ा क्रैक करके लंबा करना है। तो गाइस देख रहे हो, जय ने फर्स्ट एग अच्छे से ब्रेक कर दिया है। हाँ हाँ, गुड गुड, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा, बस स्पून रखो साइड में, इसका ये वाइट नहीं गिरना चाहिए। पकड़ो पकड़ो, हाँ उसको। चलो ठीक है, इसको इसको फेंक के आओ और हाथ दो। तो ये लो इसको, हाँ फेंको अंडे को, ऐसे गोल गोल थोड़ी ना, इसको ऐसे करना है, अच्छे से फ्रॉथ आनी चाहिए। अच्छा करो ऐसे, हाँ इसको एक का योग कहते हैं ना। ये लो थोड़ा सा सॉल्ट डालो, ये लो, हाँ कम और कम और कम, हाँ बस ऐसे। आप उसको दोबारा मिक्स करो, कटोरी पकड़ लो हाथ से। ओके, गैस ऑन करो। कौन सी? ये वाली। इससे होती है? इससे प्रेस करो, करो घुमाओ और प्रेस करो, पकड़ के रखो दबा के, जल गई है, छोड़ दो। ओके ओके ओके, अब इसमें थोड़ा सा ये पकड़ो, आप अपने एग में थोड़ा ब्लैक पेपर डालो, इसको ऐसे पकड़ना होता है, पेपर मिल कहते हैं इसको, यहां से पकड़ो, हाँ टाइट, गोल घुमाओ इसको,
और थोड़ा शेक कर लो अगर फंस रही है कहीं पेपर, और उसी में डालना है। कितना डालूं? देखो आपको कितना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालो। मुझे नहीं पता कितना डालना है। थोड़ी सी डाल दो। देखो थोड़ा इतना ही और डाल दो। ब्रेड निकालो पैकेट से दोनों। हाँ रख दी। चीज़ी क्या है? अब बटर को ज्यादा देर प्रेस नहीं करना है, यहां से पकड़ना है ऐसे रबर की तरह, और यहां लगाओ पूरे पे नहीं बेटू, जहां ब्रेड को आप ऐसे रखोगे वहां लगाओ, समझे? क्या समझे? क्या समझ? हाँ, जहां ब्रेड आप शिफ्ट करोगे वहां पे दो ब्रेड और रखो। हाँ, पकड़ के रखो। चलो तो गाइस यहाँ पे चल रहा है काम, ऑपरेशन कर रहा है जय दिखते हैं। हाँ लगाओ जय। अभी तक कैसा मजा आ रहा है आपको, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आपको लगता है आप ये सैंडविच बना पाओगे? ब्रेड भी तो रुको जरा, सबर करो। गिरा दी गाइस इसने, दिस बॉय लूज बस बेटू बस। हाँ अब बटर को डब्बे के ऊपर रख दो। चलो अब कैंची लो, चीज स्लाइस खोलो। लगता नहीं मेरे को आज इससे इस चीज का पैकेट कट पाएगा। अरे! कुछ बच्चों में होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग। ओके ओके मैं हेल्प करता हूँ। अच्छा ठीक है, इसको साइड से मत काट, इसको यहां से काटो, इसको ऐसे पकड़ो। देख अगर कैंची से नहीं कट रहा, पैकेट मोटा है, यहां रखे, यहां पकड़ इसको जोर से, और यहां पकड़ जोर से, और इसको यहां से करो स्लाइड, या ऐसे पकड़ के। Two thousand years later. नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ ये कितनी देर तक जे, इसको फ्लिप करो ब्रेड को एक, और तवा गरम है याद रखना। टेन मिनट्स होने वाले हैं गाइस, और हमारा अभी तक सैंडविच तैयार नहीं हुआ। अब आपको एक एक ब्रेड केयरफुली यहां प्लेस करनी है। पहले चीज का पैकेट ओपन करो। अब ये पकड़ो, बटर स्लाइस काटो। इतना नहीं, थोड़ा ये भी ज्यादा है वैसे तो। आगे चाकू पे, अब इसको पैन पकड़ के छोड़ दिया हमने। ओके अब आपको ये पकड़ना है, पकड़ के रखो, कटोरी मत गिराना, और बटर में एक डालो। डाल दिया, अच्छे से कटोरी को खाली करो। हाँ इसको थोड़ा सा, अच्छा भूल भी गया। जय गैस बंद कर दो। हाँ डालनी है सब पे डालो।
मुझे पता नहीं है। सब पता है आपको? नहीं पता। बस बस उस पे और कुछ लगाएंगे। चलो स्पून लाओ और स्पून से इसको अच्छे से कर दो। इसको हाँ अच्छे से लगाना है। नहीं उसपे हाँ लगा दो, स्प्रेड कर दो। तो गाइस चल रहा है हमारा सैंडविच मेकिंग का प्रोसेस। मैं आपको बता दूं अभी तक 15 मिनट्स हो चुके हैं सिर्फ टू सैंडविच बनाने में। जय की कुकिंग क्लास अभी भी चल रही है। अब पकड़ो इसको और एक एक ब्रेड के ऊपर लगाओ। चलो चीज स्लाइस रखो इसके ऊपर, इसके ऊपर एग के ऊपर। एक दिन ना चीज स्लाइस होंगे खाना भी। ये आप ही खाओगे बेटू? दोनों आपने बनाई है, दोनों को कवर करो। बस बन गया और क्या। What? अब जय ने बना दी हैं जय के सैंडविचेस। तो गाइस आपने देखा इस छोटे बच्चे ने इतने सुंदर सैंडविचेस बनाए हैं फर्स्ट टाइम के लिए। अब हम इनको जय खा के देखेगा और बताया कैसे है। थोड़ी सी बाइट ले लो, कोई नहीं। सॉस चाहिए आपको? मम्मी ने। चलो अच्छा अच्छा है। तो गाइस जय की फर्स्ट कुकिंग क्लास, फर्स्ट जय का सैंडविच, वो भी ट्विन सैंडविचेस 18 मिनट्स 30 सेकंड्स में तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस मेरे बेटे ने बनाया है पहली बार सैंडविच खुद से। कैसा बना है? बहुत सो। अब आपको आ गया ना ब्रेड ऑमलेट बनाना? हाँ एक दो बार और बनाना पड़ेगा साथ में आपके। चलो कम से कम अब ब्रेड अंडा तो हमें खिला सकता है। कभी मम्मा बीमार हो है ना। यार आपकी और आपकी का एनिवर्सरी भी मैं दे सकता हूँ। यस दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अब मैं भी टेस्ट करूं कैसा बनाया आपने। चीयर्स हो चुका है सैंडविच का। तो गाइस आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आपको ये कुकिंग क्लास कैसी लगी। तो आप लोग भी अपने इतने इतने बच्चों को लेकर कुकिंग क्लासेस दे सकते हैं घर में ताकि उनको जल्दी से कुछ 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 बनाना आ जाए जल्दी, है ना। अच्छा लगा ना आपको भी सीख के। आप बताओ जी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। आपका मन है कि आपको कुछ और भी सीखना चाहिए, कि आपको कुछ और भी आना चाहिए बनाना? जैसे नेक्स्ट चीज क्या सीखना चाहोगे? कोल्ड कॉफी। ओके ये भी ठीक है, मिक्सी चलानी भी आनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्लास जो आप देखेंगे जय के साथ हमारी रहेगी हाउ टू मेक अ कोल्ड कॉफी बाय अ 9 ईयर ओल्ड। मुझे कोल्ड कॉफी बनाने में ये प्रॉब्लम है कि मिक्सी के पास खड़े होके बहुत आवाज है। तो अब इतनी तो आई। तो आज हमने इसकी बोरियत जो है वो ऐसे खत्म करी है। हमने कहा चलो एक व्लॉग भी बन जाएगा हमारा, साथ में ये कुछ सीख भी जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। तो है ना, तो अब जब भी बोर होगा इसको कुछ ना कुछ कुकिंग का सिखाया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आपको सब कुछ आ जाएगा जल्दी से बनाना। चलो गाइस तो हमारी शाम ऐसे निकल रही है और मेरी चल रही है एडिटिंग। और ये जो कंटेंट है ये रतन ने प्रिपेयर किया है जय के साथ। तो आप लोग बताना आपको रतन की व्लॉगिंग ज्यादा अच्छी लगती है या फिर मेरी। फर्स्ट डे में कॉम्पिटिशन, फर्स्ट डे में क्यों, ये बहुत टाइम से चल रहा है। चलो कॉम्पिटिशन में आप उतरे आ जाओ। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी सी देर में और देखते हैं रात को डिनर का क्या प्लान करेंगे।
डिनर में बना लिया है जी परांठा और प्याज टमाटर की सब्जी के साथ दही। तो बस खाना खा रहे हैं और फिर करते हैं इस दिन का भी एंड। खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपको एक बार से, एक जरूरी बात। A few moments later. तो गाइस जो जरूरी बात मुझे करनी थी वो ये थी कि जैसे आपने आज ही कुकिंग क्लास देखी जय की, तो मुझे ये लगता है एक्चुअली मैं आज मेरे दिमाग में ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि एक्चुअली मैं वैसे तो अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी जो व्लॉग मुझे आज डालना था, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई उसके लिए, तो अभी वो व्लॉग आपको कल दिखेगा। और हाँ, तो मैं एडिटिंग कर रही थी और अचानक से जय ने बोला कि यार मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। सेम वही बात, क्योंकि पूरा दिन जब हो जाता है ना घर में तो फिर इसके लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या करूँ। और अभी क्या है ना, फिलहाल मैंने इसकी फ़ुटबॉल क्लास बंद कर रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी अपने कुछ व्लॉग में। तो अब पूरा दिन क्या करे, पढ़ाई भी कितनी कर ले, अकेले भी कितना खेल ले। और आज हम पार्क, जैसे वीकेंड पे होता है ना, सबके अपने प्लान्स होते हैं, तो हम लोग मोस्टली वीकेंड्स पे पार्क नहीं जाते हैं। तो फिर अब वही था कि फ्रेंड्स को भी नहीं मिल पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा यार ये बेस्ट टाइम है एक्चुअली मैं इसको कुछ कुकिंग का कुछ सिखाने का। बिकॉज मतलब वही बात आती है यार कि जब तक आप अपने बेटों को आदत नहीं डालोगे, उनको यही लगेगा कि मतलब हम लोग तो क्यों खाना बनाएं, हम लोग क्यों कुछ भी कुक करें। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, मतलब मेरे बेटे में ये चीज़ आए। ऑल्सो गाइज आई एम रियली रियली थैंकफुल कि यार रतन बीइंग अ मैन, रतन कभी भी ये नहीं सोचता है कि मुझे कुछ बनाना पड़ेगा या मैं किचन में क्यों जाऊँ या मैं क्यों बनाऊँ। और आई एम रियली रियली थैंकफुल, आई एम सो ग्लैड कि आज ये कुकिंग क्लास रतन ने ही जय को दी है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और आप लोग को भी देख के ये अच्छा लगा होगा कि मेरे बजाय रतन ने ये क्लास जय को दी है। तो मतलब एक वो होता है ना कि एक बॉन्ड होना भी बहुत ज़रूरी बात होती है, तो वो फादर और सन का जो बॉन्ड है वो होता ही कुछ अलग है। एंड आई एम ग्लैड कि आज ये इस ज़रिए के थ्रू मतलब ये मौका मिला है जय को ये क्लास देने का और कुछ सिखाने का, और वो भी रतन के थ्रू। गाइज आप लोग क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना यार, बिकॉज मतलब अच्छा लगेगा मुझे अगर आप में से कुछ लोग आगे बढ़ के इस बारे में कुछ बोलेंगे कि हाँ ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, लड़कों को भी सब कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या चल सकता है काम उसके बिना भी। तो ज़रूर कमेंट करके बताना है। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरे दिमाग में आया कि यार इसको आज कुकिंग के लिए मतलब शुरुआत तो करनी चाहिए ना अभी। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे लगता है ये चीज़ मुझे शायद पिछले साल कर देनी चाहिए थी स्टार्ट, बट ठीक है, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो अभी से ही सही। और नेक्स्ट वीक इसका बर्थडे आने वाला है, तो इसलिए इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी कि अपने बर्थडे वीक में, अपने बर्थडे मंथ में कुछ एक नया जो हमेशा इसकी लाइफ में काम आएगा वो सीख रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बेस्ट मतलब टाइम है जब इसको ये सीखना चाहिए। और ये रीज़न की वजह से भी मैंने आज ये इसके दिमाग में तो सिर्फ ये डाला कि यार चलो मेरे को तो मुझे व्लॉग के लिए कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसको ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपको कुकिंग करनी आनी चाहिए और जितनी जल्दी आ जाएगी उतना जल्दी अच्छा है। तो इसी नोट पर और इसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। और आज का ये ब्लॉग जो है मेरे बेटे के नाम क्योंकि इसने आज बहुत अच्छी चीज़ सीखी है और मैं बहुत प्राउड हूँ कि अब ये अपने आप बनाना सीख जाएगा। सो बस ऐसे ही अपने बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ और अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स। और मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।